क्लियर है? देखो, फांसी शब्द कितने हुए ने, उत्पन्न शब्द, उत्पन्न शब्द है अगेतर, ते पिछेतर, इनू लिखना कितने नहीं हैगा, इनू सिर्फ समझना है तुसी कि अगेतर कितों कितों बनते हैं। ठीक है, तो अगेतर बनते हैं उत्पन्न शब्द तो। ठीक है, अगेतर हुंदा की है, तुहानू एक गिवन वर्ड हुंदा है, तुसी उसको दी अगो होर शब्द बनाने हुंदे ने। ठीक है, ओनू आपां कहिंदे हां अगेतर। फिलहाल तुहाडे PT1 विच अगेतर ही है, पिछेतर पले नहीं हन। ठीक है, तुहानू आने ने 1 तों 15, राइट। पेज नंबर है 116, तो आप शुरू कर देना बेटा। ठीक है, पहला देखो है उप, पहला है उप, उन्होंने से लगाना कितना है, पहला एक तो जरा शब्द दिता जाएगा, ओदे नाल आपा लगाने ऐसा के शब्द ने जिन्हा दा अपना कोई ना कोई मतलब होवे। जे आपा मूल शब्द नाल ओनु वख भी कर लईए ता भी ओदा एक सार्थक मतलब होवे। ठीक है, क्लियर है? हुण जिस तरह उप तो केड़े केड़े बनणगे, उप तो, ठीक है, उप तो अगर कोई एक्स्ट्रा वर्ड होएगा तो मैं थानू जरूर दसांगी। देखो थोड़ी बुक विच है उपनाम, ठीक है, उपमंत्री, ठीक है, उपदेश, गुड गौरिश, राइट, ये सारे के सारे आ सकते ने। ठीक है, उप तो एक थोड़ी बुक विच नहीं लिखा होया, एक्स्ट्रा वर्ड जेडे ने मैं इथे लिख रही हां बोर्ड पे, इनू तुसी ऐड कर लो। ठीक है, उपदेश या उपदेश, क्लियर है, इनू ऐड कर लो। सेकंड है अंतर, अंतर अंदर, ठीक है, उपकार भी लिख सकते हो, गुड, उपकार नो भी ऐड कर सकते हो तुसी। ठीक है, कार मतलब काम, उपकार मतलब किसी का भला करना, ओके। और अंतर, हाँ जी ठीक है अक्षरा, अंतरात्मा, अंतर्मुखी, अंतर्ध्यानी, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय, यस आपा सुरिंदर कौर पढ़िया है, ठीक है, ओदे विच अंतरराष्ट्रीय मतलब राष्ट्रीय, अगर आपा अंतर प्लस राष्ट्रीय करिए तो राष्ट्रीय का मतलब है, आपा जो तो निखेड़ के देख लेंगे। हाँ ठीक है, हम देखो जिस तरह आपा किता अंतर राष्ट्रीय, ठीक है, इनू ते इनू जब आपा तोड़ के देखा ते एदा एदा मूल शब्द है दिता होया है, इनू आपा होर अपने जेड़े हन शब्द लगा ले, तो एदा भी मतलब है, एदा मूल शब्द है, गिवन है जेड़ा। ठीक है, मतलब आपा अगेतर हमेशा एदा बनाने ने, क्लियर है। नेक्स्ट है अद, अद अद्दा, ठीक है, अद खिड़िया जेड़ा फुल हुंदा ओदा खिड़िया हुंदा ना, अद खिड़िया, अद मोया, ठीक है, और अद वाटे, अद्धी वाट जिन्हों आपा कहने हाँ, ठीक है, और केड़ा आ सकता है, अधरंग आ सकता है। अद दे विच बेटा तुहाडे तीन ने, तुसी होर ऐड कर लो, अद दे विच ऐड कर लो, अपनी बुक उत्ते ही पेंसिल दे नाल ऐड कर लो। अद दे पे लिख रही हाँ, तुहाडी बुक विच सिर्फ लिखे ने अद खड़, अद होया, अधरंग, इनू ऐड कर लो, लिख लो, अद वाटे, ठीक है, अद खिड़िया, एक्स्ट्रा वर्ड ने बेटा, अद वाटे, अद खिड़िया, ठीक है, इन्हां नूं ऐड कर सकते हो तुसी, राइट। टेक्स्ट फोर्थ है अन, अन, हम ए याद रखना, नन्ना इत्थे नाड़ा नहीं है, अन मतलब नो, नेगेटिव, ठीक है, तुहाडी बुक विच रहते हो, देखो जिस तरह अनर्थ, अनर्थ, अनादर, अनंत, ठीक है, ठीक है, ये भी आ सकता है, हरनीत, अनेक भी हो सकता है, राइट, ठीक है, क्लियर। आंदा, अनंत नहीं हो सकता, साव्या नो, नो आनंद नहीं होना, ठीक है, अंत नहीं, ये नहीं आनंद नहीं आना ये बच्चे, जिदा आपा अनंत लिखा है ना, अन प्लस अंत, ओहो जिदा कोई अनंत ना होवे, ठीक है, ओ नहीं जिहड़ा तुसी कह रहे हो, ओहो नहीं आना। नेक्स्ट है अण, पूरे ते नन्ने दे नाल अंगी आ गया, नाणे दे नाल, ठीक है, नन्ने दे नाल होण की आ गया, नाणे दे नाल, जिस तरह अण होणी, अणगिणत, अण मिणिया, अण तुलिया, आपा कहंदे ने जदों आपा
ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਣਮਿਣੀਆਂ ਅਣਤੁਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਣਮਿਣੀਆਂ ਅਣਤੁਲੀਆਂ, ਅਣਗਿਣਤ, ਅਣਹੋਂਦ, ਅਣਜਾਣ, ਅਣਪਛਾਤਾ, ਕਾਫੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਣਹੋਂਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਰਡ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸ, ਸ ਕੱਲਾ, ਸ ਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮੇਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜੀਵ, ਸਟੀਕ, ਯੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੀਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਸਜੀਵ, ਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਲਿਖ ਲਓ ਇੱਕ, ਸਟੀਕ, ਸਜੀਵ, ਸਫਲ, ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਓ, ਸਫਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾਲ ਸ ਲੱਗਾ, ਸਫਲ, ਸਕਸੈਸ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਨੋ ਹਰਮੀ, ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਏ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੈਵਨ, ਸੈਵਨ ਸੱਤਵਾਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਸਭ, ਸਭ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਸਭ ਜੱਜ, ਸਭ ਕਮੇਟੀ, ਸਭ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੂ, ਸੂ ਅੱਠਵਾਂ, ਸੂ, ਸੂ ਮਤਲਬ ਚੰਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਸੁਪੁੱਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਪਤਨੀ, ਸੁਚੱਜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੂੰ, ਸੁਸ਼ੀਲ, ਯੈਸ, ਸੁਚੱਜਾ, ਐਕਸਟਰਾ ਵਰਡ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਓ, ਸੁਚੱਜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜੱਜ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਪਤਨੀ, ਚੰਗੀ ਪਤਨੀ, ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ, ਚੰਗਾ ਪੁੱਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸਟਰਾ ਵਰਡ ਨੇ, ਯੂ ਕੈਨ ਐਡ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਹ, ਸਹ ਹੁੰਦਾ ਵਿਦ, ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਈਂਥ ਹੈ ਸਹ, ਵਿਦ ਜਾਂ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹਿਪਾਠੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਸਮੇਟਸ ਨੇ, ਸਹਿਗਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੰਗਾ ਯੋਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਡ ਕਰ ਲਓ ਬੱਚੇ ਸਹਿਯੋਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹਿਯੋਗ, ਸਹਿਗਾਨ, ਸਹਿਪਾਠੀ, ਸਹਿਮਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਹਰਮੀਤ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਲੀਗ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਵਰਡਸ ਨੇ ਐਕਸਟਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਓ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਹੈ ਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ, ਸ਼ਾਹਕਾਰ, ਸ਼ਾਹ ਖਰਚ, ਸ਼ਾਹ ਰਗ, ਸ਼ਾਹ ਰਾਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹਮ, 11, ਹਮ, ਹਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਹਮ ਸਫਰ, ਹਮਰਾਹੀ, ਹਮਦਰਦ, ਹਮਜੋਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਮਜੋਲੀ, ਹਮਦਰਦ, ਹਮ ਸਫਰ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮ ਸਫਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਹਮ ਸਫਰ, ਹਮ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਗੁੱਡ ਹਰਮੀਤ, ਹਮ ਸ਼ਕਲ, ਓਕੇ, ਐਕਸਟਰਾ ਵਰਡ, ਹਮਰਾਜ, ਵੈਰੀ ਗੁਡ ਕਾਰਤਿਕ, ਹਮਰਾਜ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੰਮ, ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਘੱਟ, ਥੋੜਾ, ਕੰਮ, ਕਮਜ਼ੋਰ, ਕੰਮ ਅਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ, ਕੰਮ ਅਕਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਮਜ਼ਾਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਦਿਲ, ਕੰਮ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੰਗ ਦਿਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਹਰਮੀਤ, ਕੰਮ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੱਲ, ਕੱਲ ਮਤਲਬ ਭੈੜਾ, ਕੱਲ, ਕੱਲ ਦਾ ਕਲਯੁੱਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਕਲ ਜੋਗਣ ਹੈ, ਕਲ ਮੂਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਭੈੜਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੂ, ਕੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੁਰਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੂ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬੁਰਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏ ਵਾਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੁਚੱਜਾ ਦਾ, ਕੁਚੱਜਾ,
कुसंग, ठीक है, कुतज्जा, कुपुत्तर, ठीक है, कुपत्नी, क्लियर। कुसंग, कुरीति, लास्ट है जी खुश। ऐसे तक ही आप करने ने, ठीक है, एक तो लेके 15 तक ही ने साढ़े अगेतर। खुश 15, खुश, खुश किस्मत, खुश मिजाज, खुशबू, ठीक है, खुश किस्मत, खुश किस्मत नहीं लिखा हुआ तो सिर में ऐड कर लो, एदे विच लिख लो खुश नसीब, यस चेक गुड, खुश नसीब, खुश किस्मत, खुश दे विच ऐड कर लो बेटा, खुश नसीब, खुश किस्मत, ठीक है, बाकी थोड़े लिखे हुए ने खुशखबरी है, खुश दिल है, क्लियर है। इन्हों तुसी कोई पांच अगेतर अपनी फेयर कॉपी ते कर लियो, ठीक है, विद डेफिनेशन, डेफिनेशन नो, खुशहाली नहीं लिखना, खुशहाली नहीं आएगा कार्तिक, ठीक है। अगेतर दी पहला तुसी डेफिनेशन लिखोगे, जिद्दां मैं तुहानू बोर्ड ते समझाया सी वो एक टेबल दे नाल समझाया सी। यस हरमीत, यस हरमीत, यस मैम, अगेतर नहीं नहीं बेटा अर्थ नहीं लर्न करने, वो सिर्फ तुहानू दसण लई ही है, ठीक है। हांजी अगेतर की डेफिनेशन लिखे मैम 10 10 ही करने हैं। पेपर विच तुहानू एक तो 15 आने ने, तुसी अपनी फेयर कॉपी ते कोई पांच कर लो, कोई पांच पहले 15 विचों दी, ठीक है। अगेतर दी डेफिनेशन लिखदे हो, अगेतर डेफिनेशन की हुंदी है, ओहो शब्द जो मूल शब्दां दे अगे लगदे हन, अगेतर हुंदा की है अगे लगदा, ओहो शब्द जो मूल शब्दां दे अगे लगदे हन उहनां नू आपां की कहंदे हां, अगेतर कहंदे हां, ठीक है। इत्थों तक किसे नू कोई डाउट होए तां मैनू पूछ लो। यस जैसमीत, जैसमीत, हाँ जी जोतिन, डाउट कोई थोड़ा? ओके नो यस डाउट, मैम, एनी डाउट बेटा? मैम मेरा मैम सबका मैम अगेतर छूट गया तो मैम सब में क्या लिख सकते हैं? सब दे विच, सब कमेटी, सब रजिस्ट्रार, ठीक है, ये लिखे ही हुए ने ओके थोड़े, ओके, ए एक्स्ट्रा डी थोड़े ना लिखवाए ने थानू। मैम इधर सबका मीनिंग क्या लिखना है फिर? सब का मतलब तुसी लिख सकते हो छोटा, मीनिंग नहीं लिखने, तुसी मीनिंग जस्ट थोड़ी अंडरस्टैंडिंग लिए है बेटा, ठीक है, मीनिंग तुसी नहीं लिखना, तुसी सिर्फ मूल शब्द ते ओदे अगे अगेतर ही लिखना है, ओके, ना मीनिंग तुसी लर्न करने ने, ठीक ओके मैम है। अगेतर दी डेफिनेशन एक बच्चा पूछ रहा है, मूल शब्दां दे अगे लगन वाले शब्दां नू आपा अगेतर कहंदे हां। डेफिनेशन तुहाडी लिखी हुई है बेटा पेज नंबर 116, पहला डेफिनेशन लिख लियो, उस तो बाद विच एक तो 15 दे विचों दी कोई पांच अगेतर अपनी फेयर कॉपी ते लिख लियो, ठीक है, क्लियर है। हरमीत एक्सक्यूज मी एनी मैम, डाउट? हां जी, यस मैम, हम सू में मैम सू कने और सू में लिख सकते हैं? सुमेल लिख सकते हो, सुकन्या नहीं लिख सकते, वैसे आ भी सकता है, ओके चंगी कन्या आ भी सकता है, ठीक मैम, और कु में कुराए और कुवेला लिख सकते हैं? हाँ, कुराहा, वेरी गुड, कु मतलब कुराहा, चंगा रहा, ठीक है, कु दे विच बेटा ऐड कर लो एक और कुराहा, ठीक है, चंगा रहा, और कुबेला, यू कैन ऐड, गुड, ठीक है, पुराहा, कुबेला, बताई तानू क्या जेडे एक्स्ट्रा वर्ड्स आई जा रहे हैं, बाकी तो देखो तुम्हारी बुक में गिवन ही है, जेडे एक्स्ट्रा वर्ड आ रहे हैं उन्हें अपनी पेंसिल के नाल अपनी बुक के विच लिखी चलो, ठीक है, गुड हरनीत। एक्चुअली मैम हम सहकारी लिख सकते हैं सैम है। ओके सहकारी आ सकता है, मैं लिखा हुआ है, ठीक है, सहयोग, सहकारी, हाँ देखो लिखा हुआ है, ठीक है, वैभव, यस वैभव, एनी डाउट? मैम एक बार मैम डेफिनेशन मैम मार्क करा दोगे मैम बुक में? डेफिनेशन देखो बेटा कि तुसी लिखना है, पहला तो रहन दो उत्पन्न शब्द है हिस्सा ना, तो मैं तुम्हें दस दिता, सेकंड लाइन तो देखो कि ओह शब्दांश जो मूल शब्दां दे नाल, जो मूल शब्दां दे अग्गे लग के एक नवा ते सार्थक मतलब कढ़े, उन्हां नू आपां अगेतर कहंदे हन, बस
इको ही लाइन में डेफिनेशन देनी है, तीन चार लाइन में डेफिनेशन नहीं देनी। ओके वैभव, वैभव तो अगेत्र समझ लग गया ना बेटा? यस अद्भुत। उस तो बाद में आप चलेंगे विरोधी शब्द, विरोधी शब्द फेयर कॉपी से नहीं करने। मैम हम सब में सब जज लिख सकते हैं? हाँ जी लिख सकते हैं। ओके मैम ठीक है। पूछ रही है कावंश? नहीं बेटा मैं थानू आज जिस दिन थोड़ा होमवर्क डे है ना उदन ही थानू मैं कावंश सेंड करांगी। ठीक है मैं थानू पहला भी कहा था जिदन थोड़ा होमवर्क डे होएगा उदन ही थानू होमवर्क सेंड किया जाएगा। क्लियर है जी? ठीक है हां जी। नो अनपढ़ 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 लिख सकते हो, ऐड़ा ते नन्ना विच आएगा। ठीक है ऐड़ा नाना विच नहीं आएगा, अनपढ़ जरा पढ़िया लिखा नहीं होता लिख सकते हो। अन दे विच बेटा एक और ऐड कर लो, अन दे विच अनपढ़ लिख सकते हो तुसी। ठीक है हो गया जी। चलिए हुन अपना विरोधी शब्द ते। यस मैम। विरोधी शब्द नु तुसी अपनी फेयर कॉपी ते नहीं लिखना, विरोधी शब्द नु ना लिखो। ज्योतिन कोई डाउट तुहाडा? हां जी ज्योतिन। मैम शब्द में मैम हम सब नाम लिख सकते हैं? नहीं 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 सब नाम होता ही नहीं, उपनाम होता है सब नाम, वर्ड नहीं कोई। इसलिए मैं थोनू कह रही हूँ वर्ड ऐदा दे लिखो जिन्हों का मतलब निकले। ठीक है क्लियर है जी। हम देखो विरोधी शब्द पेज नंबर ग्रामर बुक ही अपने को रखनी है और हमेशा। ठीक है पेज नंबर 128 और सिलेबस भी एक बार देखी जायो। 128 पूरा और 129 दी ओनली फर्स्ट लाइन, दिस वन ओनली फर्स्ट लाइन। 128 पूरा 129 दी फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन नहीं हल्ले करनी फिटी मान दी। ठीक है विरोधी शब्द एक दूसरे के उल्ट शब्द रखने वाले, इन्हों को तुसी कॉपी उत्ते नहीं करना, इन्हों को तुसी बुक तो ही लर्न कर लो। ठीक है सो मैं देखो पढ़ रही हाँ, जिदा मतलब ना समझ लगे मैं पूछ लियो। उस्तत निंदिया, उस्तत मतलब किसी की तारीफ करना, निंदिया मतलब चुगली करना, चुगली भी लिख सकते हो। ऊंच नीच, उच्चा नीवा, उजाड़ रौनक, उतला हेठला। बुक वाल देखो बेटा, ठीक है बुक चो ही मैं पढ़ रही हाँ। उठना बैठना ओपरा, इथे देखो बेटा ये गलत है, ओपरा दा प्राया लिखा हुआ है, ओपरा दा मतलब भी सेम ही हुंदा है। ठीक है ओपरा दा अपना करो, जिथे लिखा ना ओपरा उथे लिखो अपना विरोधी शब्द विच, क्योंकि वो मीनिंग सेम ही है। ठीक है ओपरा लिखा हुआ है ना, ओनू लिखो अपना विरोधी शब्द। ठीक है इनू सही कर लो, क्लियर है अपनी तरफ से भी डाल सकते हो, लेकिन जैसे हमने उसके बेसिकली उसके जो भी रूल्स हैं वो हमने फॉलो करने हैं, तो वैसे विरोधी शब्द में हमारा आ सकता है कि आप एक ऐसा अलग से डाल दो जिसका विरोधी शब्द वही हो लेकिन वो जो वर्ड हो वो अलग हो। नहीं 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 शुद्ध करो विच तो वही चीज आएगी, क्योंकि उत्थे देखो सिलेबस लिखा होया, ए सिलेबस विच लिखा होया है थोड़े कि पेज नंबर यही आएगा, सो ये बारों नहीं आएंगे, विरोधी शब्द बारों नहीं आ सकते। ठीक है विरोधी शब्द वही रहेंगे। हां जी साव्या। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? मेरी आवाज आ रही है गौरेश? एम आई ऑडिबल? यस मैम आ रही है। यस मैम यू आर ऑडिबल। ठीक है ठीक है। नहीं किसी की भी यस शुभ। यस मैम मैम अगेन चेक करो साव्या। यस मैम कोई डाउट है थानो? मैं अगेतर शेयर कॉपी पे करने हैं? करने हां जी, पहले पांच या कोई पांच? ओके मैम। मैम डेफिनेशन साथ में करनी है? हां जी डेफिनेशन लिख के फिर अगेतर करने ने। ओके साव्या ठीक है गुड। ठीक है जी मैम। ओके राइट बच्चे ओपरा दा अपना कर लियो। ठीक है नेक्स्ट देखो है गोरा काला संगड़ा बिरला ऊणा भरिया। ऊणा हुंदा है
थोड़ा जिहा खाली गिलास पूरा नहीं भरिया होगा, थोड़ा जहा भरिया होगा मतलब अद्धे नाल थोड़ा ज्यादा, ठीक है। ईरखा प्यार या नफरत भी लिख सकते हो, ईरखा प्यार और यू कैन राइट नफरत, स्त्री पुरुष सुहागण विधवा या दुहागण, ठीक है। शहरी पेंडू सुक्का गिल्ला सखना भरिया, उद्यमी आलसी, उद्यमी होता मेहनत करन वाला, आलसी होता है मेहनत नहीं करता, तो उरला परला संगत कुसंगत सुखी दुखी। पेज नंबर 129 की फर्स्ट लाइन, उचान निवान असली नकली अमन जंग अगे पिछे आदि अंत। और कई बच्चे नु आदि पढ़ लेंदे ने, आदि नहीं हुंदा है आद हुंदा है, आदि आपां पिछे बिहारी पांदा, ठीक है। अंतरा सौंतरा जेदी औलाद होवे जेदी औलाद ना होवे, ठीक है। हनेरा चानण हाण लाभ सभ्या असभ्या मतलब जेनू मैनर्स होण, असभ्या मतलब जेनू मैनर्स ना हो, ठीक है। आकड़ निम्रता आस्तक नास्तक सका मित्रिया जागदा सुत्ता आदर निरादर आस निराश अपड़ा प्राया या बेगाना। इतने देखो हुण उन्होंने सही कर दिता, ठीक है। मतलब जेदी औलाद होवे वरिष्ठ, ठीक है, ते जेदी औलाद ना होवे, ओके। हक निहक अपना हक लेना ते अपना हक छड़ना, ठीक है। अनेक इक आमदनी खर्च हंकार निर्माण, हंकार मतलब ईगो, निर्माण मतलब पोलाइट वे दे नाल गल कर रहे हैं, ठीक है। आसान सौखा औखा सौखा, हनेरा चानण, ठीक है। आम खास अंदर बाहर हौला पारा, हौला मतलब वेट विच हौली, ठीक है, ते पारा मतलब वेट विच हैवी। अद्धा पूरा एकता फुट इज्जत बेइज्जती, ठीक है। हुण इज्जत दा तुसी बेइज्जत नहीं लिखोगे, बेइज्जती लिखोगे, क्लियर है। अंबर धरती गुप्त प्रगट इधर उधर, ठीक है। गो थ्रू हो जो, कोई समझ ना लगा हुए तो मैंने पूछ लो, ठीक है। फेयर कॉपी से नहीं करना, इनू बुक विचों ही लर्न करना है, ठीक है बेटा। यस गौरीश एक बार रीड कर लो सारे। यस मैम। मैम मेरा एक डाउट था कि मैम जो आपने पत्र करवाए हैं मैम उसके एक बता दो कि और कौन से पत्र आ सकते हैं। जैसे मैम आपने एक पत्र करवाया है, पत्र केड़ा आपा कीता केड़ा है पत्र? मैम इलाके दी दुर्दशा बारे दसो। ओके आपा नहीं कर केड़े रहे सीगे कि तुसी अपने नगर निगम। यस मैम नगर निगम वाले। एक तो देखो आ गया कि इलाके की दुर्दशा बारे दसना है, एक दसना है कि रोशनी का प्रबंध चंगा नहीं है, थोड़ी स्ट्रीट लाइट्स जड़िया ने वो खराब ने। यस मैम ये मैंने मतलब इसके अलावा और कौन से पत्र आ सकते हैं? अच्छा ओके, एक तो अलावा बेटा थोड़ी देखो सिलेबस विच लिखा हुआ है, अगर तुसी सिलेबस तो देखो ना बच्चे ते थोड़े सिलेबस विच तीन ने, ठीक है। पोस्ट मास्टर नो है ते पुलिस चौकी नो है। ओके मैम, तो मैम इन तीनों को मैम कोई भी पत्र आ सकता है, मतलब जैसे कि अगर नगर कोई भी, हां जी, सिर्फ थानू फॉर्मेट आना चाहिदा है, ठीक है। बाकी रे जड़े ओना विचो दी एक आपा गल करांगे, क्योंकि मैं कट्ठे-कट्ठे थानू दो-दो लेटर्स नहीं करवाने पर तुसी कंफ्यूज हो जाओगे। आपा नगर निगम नु पत्र बेटा सारे सुन लो, नगर निगम नु पत्र आपा कर ली हुई है, कल असी करांगे पोस्ट मास्टर नु पत्र, एदे नाल रिलेटेड फॉर्मेट। फेयर कॉपी अपनी हमेशा कोल रख्या करो, ग्रामर पोर्शन ओपन करके रख्या करो, ठीक है। उस तो इलावा जे सानू टाइम मिलिया ते आपा फिर बहुते शब्दां दी थाई शब्द करांगे, ठीक है। वैसे साडी कोल हुण भी टाइम है, 5 मिनट रहंदे हां ते आपा कर ली बहुते शब्दां दी थाई शब्द। यस मैम कर लेते हैं। ओके यस साव्या, एनो भी फेयर कॉपी ते नहीं करना, शॉर्ट ग्रामर फेयर कॉपी ते रहन दो करनी, ठीक है साव्या। मैम एक बारी उरला परला का मीनिंग समझा दो। उरला मतलब इधर वाला, परला मतलब दूसरे पार, ठीक है। ओके मैम। ओके गो थ्रू हो जो, विरोधी शब्द क्लियर है बच्चे, फेयर कॉपी ते नहीं करने।
नेक्स्ट साढ़े को टाइम है तो आप बहुते शब्द लिखा एक शब्द कर लेने हाँ अगेन इन फेयर कॉपी से नहीं करना अगेतर करने ने यहाँ ग्रामर जिस तरह संबंधक से शुरू है ठीक है अगो देखो एक रिपीट हो रहा है उन्होंने सिर्फ आप दोहराई करनी है विशेषण काल से किस्मा किरिया ठीक है अगर तुम चाहोगे तो मैं थोड़ा समझा देवगी यह ठीक है नहीं तो मैं थोड़ा असाइनमेंट सेंड करांगी तो तुम अपनी फेयर कॉपी से कर लो जस्ट जो साढ़े रिविजन डेज चलोगे तो आप उदो कर लगे ठीक है ये आते हैं ना सारे विशेषण काल आते हैं सारे आते हैं मैम आते हैं मैम आते हैं चलो जी बहुते शब्द लिखा एक शब्द ए हां पेज नंबर 134 135 120 ओपन योर पेज नंबर 134 135 एक तो लेके 20 तक ने काउंट करो जरा किन्ने के होंगे ये कितो तक है गौरीश काउंट करो बच्चे यस मैम काउंट कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 मैम जे कदे ना टूटे जो कदे ना टूटे मैम ये 135 के मैम फोर्थ है 135 का फोर्थ जे जो कदे ना टूटे ठीक है थैंक यू जैस्मिन कोई डाउट है थोड़ा हाँ जी जैस्मिन मैम बहुते शब्द था एक शब्द मैम फेयर कॉपी पे करने नो ना बहुते शब्द करने ने तो ना विरोधी शब्द करने ना लिंग बदलो करने ना वचन बदलो करने शॉर्ट ग्रामर है थोड़ी बुक विच लिखी हुई है इसलिए इसको ना करो इसको ही लर्न करो ओके मैम थैंक यू ओके जी स्टार्ट कर दिया बेटा ठीक है जिन्ने रह गए फिर तुसी देख लियो उनो एक तो लेके 20 तक ने बहुते शब्द हुंदा की है कि बहुते शब्दों नु थोड़ी जी एक एक सेंटेंस विच कहना ठीक है क्लियर है सो देखो भारत दा रहण वाला भारती जो किसी की कीती ना जाने अकृत कारण मतलब जो किसी की अगर कोई बंदा हेल्प कर रहा तो उदा एहसान नहीं कर रहा आप कहने अकृत कारण ठीक है जेड़ा ईश्वर की होंद विच विश्वास रखता है आस्तक से जेड़ा नहीं रखता आप कहने हाँ नास्तक ठीक है पिंड की सांझी जमीन मतलब के सारे के सारे यूज कर सकते ने शाम लाट ठीक है होरना का भला करन वाला पर उपकारी परोपकारी ना लिखियो पर उपकारी लिखियो ठीक है जेड़ी बहुती विद्या पढ़िया होवे विद्वान जेड़ा बच्चा सब तो पहला जमे जेठा ठीक है सुई हुई मज या गा नवेरी सुई मतलब के ओ हले मतलब ओदा छोटा जा जिसका बेबी तो हले सुई हुई है ठीक है फिर वह दुध देन लग पैंदी है उन्हों आपां कहने हां जो काम करदा होया कदे ना थके अणथक ये तुसीं अण दे विच लिख सकदे हो जिहड़ा आपां कीता कीता है ठीक है देश लई जान देन वाला शहीद वो व्यक्ति जो बहुत गल्लां करता होवे गालड़ी कोई स्त्री या पुरुष जिसनों बहुत गुस्सा आता होवे गुस्सैल जो मिट्टी के भांडे बना के बेचता होवे कुम्यार ठीक है मझ या गऊ जो दुध दिंदी होवे लवेरी ये दो बार आ गया जिसनों किसी चीज का ज्ञान ना होवे ज्ञानी जिसनों चीज का ज्ञान होवे वह ज्ञानी जिसनों ना होवे वह अज्ञानी ठीक है जिसनों जितया ना जा सके अजित एड़े दे विच आपां लिख सकते हाँ अगेतर जिसकी औलाद होवे सौंतरा हुण क्लियर आया उस विच गौरिश लिखा हुआ कि औंतरा सौंतरा जेदा बच्चा होवे वह सौंतरा जेदा बच्चा ना होवे औंतरा ठीक है जिसकी औलाद ना होवे वह औंतरा लास्ट जो कदे ना टुटे अटुट ठीक है मतलब जो कभी टूट नहीं सकता गो थ्रू वो जो बहुत ईजी ने फेयर कॉपी से नहीं करने देख लो अगर किसी कोई भी डाउट है तो मैं पूछ लो सारे मैम हमने सिक्स्थ में किए मैम मोस्टली सारे सिक्स्थ में ही हैं लवेरी परोपकारी अगेतर भी सारे किए हुए हैं अगेतर भी मोस्टली सिक्स्थ वाले ही आएंगे लिंग बदलो वचन बदलो भी मोस्टली सिक्स्थ वाले आएंगे मुहावरे भी मोस्टली सिक्स्थ वाले होंगे पर आप एक बार रिवाइज कर लिए तो थोड़ी वो चीज पक्की हो जाती है ठीक है।